हेलो गाइज, मैं हूँ देव और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोग के बारे में जिसे लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन इस रोग से होने वाली प्रॉब्लम्स या लक्षणों को जानकर हर एक व्यक्ति इसे ज़रूर सीरियसली लेगा। इस रोग का नाम है थायराइड। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत में 10 में से एक व्यक्ति थायराइड का शिकार हो रहा है। थायराइड एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो गले के बिल्कुल सामने स्थित होती है। यह थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इसके अलावा यह हमारे हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। इस रोग को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके लक्षण एक साथ नहीं दिखते हैं। अगर गर्भावस्था के दौरान माँ को थायराइड की समस्या है तो बच्चे को भी थायराइड की समस्या हो सकती है। अगर बच्चे में थायराइड की समस्या हो तो उसका शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित होता है। थायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन बनाती है जिसे T3 व T4 हार्मोन कहते हैं। जब इन दोनों हार्मोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो थायराइड नामक रोग उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं थायराइड रोग के लक्षणों के बारे में। थकान महसूस होना, जब बिना काम किए ही आपको थकान होने लगे और बिस्तर से उठा भी न जाए तो आपको थायराइड हो सकती है। नेक्स्ट है गले में सूजन। गले में जहाँ थायराइड ग्रंथि होती है वह जगह अपने आप ही फूलने लगती है। इसे घेंघा भी कहा जाता है। यह कभी कभी आयोडीन की कमी से भी होता है। नेक्स्ट है कब्ज होना। थायराइड का हाई लेवल पाचन तंत्र पर असर डालता है जिससे उन्हें भयंकर कब्ज की परेशानी हो जाती है। नेक्स्ट है मोटापा बढ़ना। जब शरीर में थायराइड बढ़ने लगता है तो शरीर फूलने लगता है। अगर आपका भी वजन एकदम से बढ़ रहा है तो थायराइड टेस्ट जरूर कराएं। नेक्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी सही नहीं है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है जोड़ों में दर्द। जोड़ों और शरीर में दर्द थायराइड का लक्षण हो सकता है। इससे आपको चलने फिरने में अधिक परेशानी होने लगेगी। नेक्स्ट है बालों का झड़ना। जब शरीर में थायरोक्सिन लेवल बढ़ जाता है तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो गंजापन भी हो जाता है। अगला है डिप्रेशन। शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस होने से इंसान का मूड बदलने लगता है और वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये थे थायराइड रोग के प्रमुख लक्षण। अब बात करते हैं थायराइड के उपचार के बारे में। संतुलित आहार थायराइड को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है। संतुलित आहार लेने से आपकी थायराइड प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। थायराइड से ग्रसित व्यक्ति को प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाए रखनी चाहिए। थायराइड की समस्या का मुख्य कारण मोटापा हो सकता है, इसलिए एक स्वस्थ थायराइड के लिए मोटापे से दूर रहना चाहिए। थायराइड में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे अनेक रोग हो जाते हैं। योग व एक्सरसाइज करने से भी थायराइड पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं थायराइड से बचाव के बारे में। धूम्रपान करना थायराइड का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। डिप्रेशन में रहने से थायराइड की समस्या हो सकती है। व्यायाम करने से थायराइड की समस्या कम हो जाती है तथा अधिक वसायुक्त भोजन खाने से थायराइड की समस्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं थायराइड के परीक्षणों के बारे में। थायराइड होने पर कोलेस्ट्रॉल परीक्षण, T4 व T3 परीक्षण, थायराइड स्केल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, CT या MRI स्केल टेस्ट आदि टेस्ट किए जाते हैं।